मारो राजस्थान में मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। और मारो राजस्थान की शुरुआत करते हुए बताते चले कि नीट यूजी पेपर लीक को लेकर आज फिर संसद सत्र में सियासी संग्राम छिड़ सकता है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे हफ्ते में एनडीए सरकार और विपक्ष के बीच बहस और तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। जी हां, आज से दोनों सदनों की बैठक फिर से शुरू होने वाली है और इसमें नीट पेपर लीक विवाद से लेकर अग्निपथ योजना और महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ये भी बता दें कि शुक्रवार को नीट पेपर लीक पर चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई थी और आज फिर से 1 जुलाई को सदन की कार्यवाही चालू होगी और आज फिर से ये आसार लगाए जा रहे हैं, संभवतः आज फिर संसद की जो कार्यवाही है वो हंगामेदार हो सकती है। आज फिर संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ सकती है, लेकिन देखना होगा कि नीट पेपर लीक को संसद में विपक्ष की तरफ से क्या मांग की जा रही है, महंगाई को लेकर क्या उनका पक्ष है और अग्निवीर को लेकर क्या उनके सवाल दागे जा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से। फिलहाल कार्यवाही तो शांतिपूर्ण भी चलनी चाहिए, लेकिन अब देखना होगा कि क्या आज इस बात को सांसद लोग समझ पाते हैं या फिर नहीं। और संसद का सत्र इस बार काफी हंगामेदार चल रहा है। शुक्रवार को दोनों सदनों में पेपर लीक के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ और सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। अब आज जब एक बार फिर पक्ष और विपक्ष सदन में आमने सामने होंगे तो हंगामा होना तय माना जा रहा है और इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। सरकार जवाब देने के लिए तत्पर भी है। 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। आई डू नॉट सदन नहीं चलाने देना, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सरकार किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए तैयार है। पेपर लीक का मुद्दा जब संसद में उठा तो शोर सड़कों तक सुनाई दिया। राहुल गांधी की मांग का समर्थन कर पूरा विपक्ष हंगामा करने लगा। विपक्ष के हंगामे की वजह से शुक्रवार सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होने के बाद 15 मिनट में ही सदन 12 बजे तक स्थगित कर दिया गया। हालांकि दोपहर 12 बजे कार्रवाई दोबारा शुरू होने पर विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा रहा। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष को आश्वासन दिया कि सरकार हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है, लेकिन विपक्ष का हंगामा फिर भी जारी रहा। राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूँ कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार है। लोकसभा में बचे हंगामे भले ही कार्यवाही स्थगित होने के बाद थम गए हो, लेकिन यही तस्वीर एक बार फिर सदन में दिखने वाली है जब 1 जुलाई को फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी, क्योंकि नीट विवाद पर विपक्ष अडिग है। कल भी सदन में हंगामे के आसार हैं। 3 आपराधिक कानून पर बहस संभव है। कल से देश में लागू होंगे 3 नए कानून। दरअसल 3 आपराधिक कानून को लेकर विपक्ष पहले से लामबंद है, यहाँ तक कि विपक्ष की तरफ से इसका विरोध भी हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि कल सदन में इसको लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो सकते हैं। सदन का विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। आप सदन में अपनी बात को कहिए, राष्ट्रपति अभिभाषण में पूरे मुद्दे पर कहिए। आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, नीट के मुद्दों पर राष्ट्रपति भाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, देशी और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। इधर राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा जारी है और कल भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिख सकती है, क्योंकि 2 दिन पहले पेपर लीक पर हंगामा इतना जोरदार था कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खुद वेल तक पहुँच गए। राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे से सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और संसदीय इतिहास का सबसे दागी दिन बताया। आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में
इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं, भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। संसद में जारी जोरदार टकराव पर एक बात तो साफ है कि 18वीं लोकसभा में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि पिछले 5 दिनों में सदन में जो जो तस्वीरें सामने आई वो पिछले 10 साल से बिल्कुल अलग हैं और आने वाले 2 दिनों में और भी अलग रहने वाली हैं, क्योंकि 2 जुलाई को पीएम मोदी भी लोकसभा को संबोधित कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। लोकसभा में आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव बहस शुरू होगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हंगामे के चलते शुक्रवार को लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू नहीं हो पाई थी, क्योंकि संसद की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस की शुरुआत करेंगे, और जिसके बाद पहली बार नई दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद बनी बांसुरी स्वराज बहस करेंगी। लोकसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के लिए 16 घंटे तय किए हैं, जो मंगलवार को पीएम मोदी के जवाब के साथ खत्म होगा, जबकि राज्यसभा में बहस के लिए 21 घंटे आवंटित किए गए हैं। पीएम मोदी के बुधवार को राज्यसभा में जवाब देंगे, और राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने शुक्रवार को चर्चा की शुरुआत की थी।